विपर जॉय साइक्लोन अब लगातार आक्रामक हो रहा है और बहुत ही तेजी से ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब से 5 घंटे पहले जहां ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, तो वहीं अब 6 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अगर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो कहा जा रहा है कि अभी ये यहाँ पर है और यहाँ से ये उत्तर पश्चिम की तरफ मूव करेगा, लेकिन गुजरात का जो जाखू पोर्ट है वहां पर इसकी दूरी अभी 300-350 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है। और कहा जा रहा है कि आप ये देखें, यहाँ देखने की कोशिश करेंगे आप तो यहाँ से गुजरात की तरफ मूव करने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री लगातार आपदा की स्थिति से निपटने के लिए बैठक कर रहे हैं और आगे जिस तरह से कहा जा रहा है कि 15 तारीख तक रेड अलर्ट जारी किया गया है और 15 तारीख को ये विपर्जॉय जो है आक्रामक रूप ले सकता है, उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारियां की जा रही हैं। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे, OTT इंडिया, दिल्ली। से साइक्लोनिक जो सिस्टम चल रहा है उस हिसाब से आज सुबह में थोड़ी बारिश शुरू हो गई है। थोड़ी देर तक बारिश भी हेवी रेन की तरह हो रही थी, मगर अभी वातावरण थोड़ा अच्छा है। मगर ये पूरी टीम है जो हमने 2 दिन से हम शेल्टर होम में शिफ्ट कर रहे हैं, उन सभी लोगों को आज का खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो तो उसकी व्यवस्था हो रही है। और हमारे यहाँ एक NDRF और एक SDRF की टीम ऑलरेडी है और आज दोपहर तक एक और NDRF की टीम भी आ रही है। वो ओखा पोर्ट पर उसको डिप्लॉय कर रहे हैं। जो हमारा समुद्र के किनारे का जो एरिया था और जो छपरे वाले और झुपड़पट्टी वाले लोग थे, वो तकरीबन 250 लोग को हमने अभी शेल्टर होम में रखा है और 1000-2000 लोग अपने कुछ परिवारजनों है, कुछ रिलेटिव से उसके पक्के मकान में भी है जिसका हमने सर्वे किया था। तो उन सब के लिए अब जब तक ये साइक्लोनिक सिस्टम का असर है 2-3 दिन, तो उसका सब खाने पीने का और मेडिकल इमरजेंसी का इंतजाम चल रहा है। पंद्रह तारीख तक वो जखौ और करांची के बीच में लैंड को हिट करने की संभावना है। उसको देखते हुए उसकी सबसे ज्यादा इफेक्ट कच्छ में होनी है। उसको देखते हुए वहीवटी तंत्र की ओर से कोऑर्डिनेशन वे में सारा प्रयास किया गया है। भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम सब आपस में कोऑर्डिनेशन करके इस साइक्लोन की कम से कम इफेक्ट हो, एनिमल और ह्यूमन कैजुअलिटी कम हो, उसको ध्यान में रखते हुए नंबर ऑफ टाइप ऑफ एक्शन लिया गया है। 0 से 10 किलोमीटर के कोस्टल लाइन एरिया में लोगों को इवैक्यूएशन किया जा रहा है। 0 से 5 किलोमीटर कोस्टल लाइन में बसने वाले लोगों को 100% इवैक्यूएट करके उसको शेल्टर होम में लिया जा रहा है। देश का सबसे बड़ा पोर्ट
कंडला फोर्ट कच्छ में है। सारा कंडला फोर्ट में चलने वाली सारी गतिविधि को रोक दिया गया है। कंडला फोर्ट में वहां के लेबर को इवैक्यूएट किया गया है। कंडला फोर्ट में और सौराष्ट्र के कोस्टल लाइन में सभी शिप को एंकर कर दिया है ताकि साइक्लोन की झपट में ना आ जाए। टीमें हो जाएंगी एनडीआरएफ की। फिलहाल क्या तैयारी है, क्या कुछ साइक्लोन के देखिए तीन फीचर होते हैं, हाई विंड, स्टॉर्म सर्ज और हैवी रेनफॉल। इनके कारण अलग अलग प्रकार की इमरजेंसी क्रिएट होती है, तो हम किसी भी प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए पूर्णतः मुस्तैद हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास डीप डाइवर हैं, स्विमर हैं, और इसके कारण हाई विंड के कारण कहीं कच्चे मकान हैं, ओवरहेड पावर लाइन है, या कहीं रोड ब्लॉक होते हैं, तो उनको क्लियर करने के लिए हम पूर्णतः तैयार हैं, या इससे संबंधित कोई दूसरी इमरजेंसी क्रिएट होती है तो उसके लिए भी हम पूर्णतः तैयार हैं।